अस्सलाम वालेकुम असलम अब आप सब लोग मेरा नाम है मलिकम जदा देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्टर दोस्तों अगर आपका बजट 30-35 या फिर चालीस हज़ार रुपए और इस रेंज में आपको बेस्ट बॉक्स पैक स्मार्टफोन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस रेंज के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बाय किया जाए तो आपके भाई ने काफ़ी शॉर्ट आउट करने के बाद और रिव्यू करने के बाद टॉप फाइव बेस्ट स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जो कि आज की डेट में आपको आउटस्टैंडिंग किस्म की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे तो अगर आपका बजट 30 से चालीस हजार रुपए दैन यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक वाच कर लेने वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते हैं और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो को अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं

आपको फोर्टी देखने को मिलेगी क्योंकि स्मार्टफोन में यूज की गई है मीडिया Helio जी एटी फाइव की फोर जी की चिप सेट और स्मार्टफोन की बैक पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया गया मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है बाकी कैमरास बेकार हैं और फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा कैमरा क्वालिटी आपको गुजारे वाले देखने को मिलेगी

इन दोनों स्मार्टफोन को आप आके बंद करके कंसीडर कर सकते हैं और इनफैक्ट आपको डी कोल्ड बॉल थ्री में फोर्टी एप की गेम की स्पोर्ट देखने को मिल जाती है जेरो हार्डवेयर के साथ तो बात करते हैं पैंतीस हजार रुपए के रेंज के अंदर आज के डेट में आपके लिए बॉक्स पैक में कौन से अच्छे स्मार्टफोन है तो पैंतीस हजार रुपए के रेंज के अंदर भी आपको तीन स्मार्टफोन रिकमेंड करने वाला हूं सबसे पहले टेक्नो स्पार्क 10 प्रो है और सेकंड नंबर पर इन्फिनेक्स आर थर्टी है और थर्ड नंबर पर टेक्नो कैमन नाइनटीन न्यू है इन तीनों स्मार्टफोन की जो पहले बॉक्स पैक प्राइसिस थी वो पैंतालीस हजार तक पहुंच चुकी थी लेकिन आज के डेट में इन स्मार्टफोन के ऊपर बड़ा प्राइस कार्ड लग चुका है और प्राइस कम होने के बाद इन स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो चौतीस हजार पांच सौ रुपए यानी ये तीनों स्मार्टफोन आपको सेम प्राइस के अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन इन तीनों स्मार्टफोन में से जो स्मार्टफोन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो इनफिनक्स हार्ड थर्टी है जो कि आठ रैम और एक अठाई जी पेम वाला वेरियंट है और स्मार्टफोन की रैम को आप आठ जी पी रैम तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ये स्मार्टफोन वाइड थर्टी है उसके सॉफ्टवेयर के साथ आता है और स्मार्टफोन में आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है नाइनटी हर्ट्ज़ हाई रिफ्रेश रेट के साथ आई पी एस एल सी वाला पैनल दिया गया बैक साइड पर डुअल कैमराज का सेट दिया गया मेन कैमरा फिफ्टी मेगा पिक्सल और सेल्फी कैमरा आठ मेगा पिक्सल का है लेकिन जो स्मार्टफोन का मेन और इंटरेस्टिंग फीचर है वो स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जर है पांच हजार एम की बड़ी बैटरी दी गई है थर्टी थ्री वर्ड के फास्ट चार्जर के साथ जो कि यू एस सी टाइप के साथ आती है और सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट साइड मोटर दिया गया फेस और के साथ। तो पैंतीस हजार रुपए के रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन बॉक्स पैक में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जो आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आप स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं तो चालीस हजार रुपए के रेंज के अंदर भी आपको तीन से चार स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी सी फिफ्टी थ्री की जो कि दो तीन दिन तक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और रियलमी का ये स्मार्टफोन छह जी पी राम और सौ अठाई रोम के साथ आता है और स्मार्टफोन की रैम को आप छह जीपी रैम तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं यानी कि स्मार्टफोन में आपको बारह जीबी के रैम और एक सौ अठाई के रोम देखने को मिल जाती है और ये स्मार्टफोन फोन थर्टी और इसके सॉफ्टवेयर के साथ आता है और स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है नाइनटी हट हाई रिफ्रेश रेट के साथ आई पी एस एल सी डी वाला पैनल दिया गया है और स्मार्टफोन की बैक साइड पर डुअल कैमरेज का सेटअप दिया गया है मेन कैमरा फिफ्टी मेगा पिक्सल का है और स्कैंड कैमरा जो है वो बेकार कैमरा दिया गया उसका कोई काम नहीं है और सेल्फी कैमरा आपको आठ मेगा पिक्सल का देखने को मिल जाता है कैमरा परफॉर्मेंस आपको एवरेज देखने को मिलेगी कैमरा से ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा और अगर बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो थर्टी अपने देखने को मिलेगी कोई हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन में नहीं दी गई आप डे टू डे यूजर्स के लिए स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं और लास्ट पर अगर बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की मैं आपको यह स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला क्योंकि स्मार्टफोन के जो फीचर है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं दिए गए जितनी स्मार्टफोन की प्राइस रखेगी तो चालीस हजार के रेंज के अंदर आज के डेट में मैं आपको कोई भी स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं कर रहा मैं आपको यही एडवाइस करूंगा तीस से चालीस हजार रुपए के रेंज के अंदर आपको इन्फिनेक्सर्टी की तरफ जाना चाहिए देन अगर आपका बजट चालीस हजार रुपए और इस रेंज के अंदर ही आपने कोई बॉक्स पैक स्मार्टफोन बाय करना है तो तीन से चार हजार अपना बजट इंक्रीज करके आप टेक्नो कैम एन की तरफ जा सकते हैं बाय द वे आपका क्या ओपिनियन है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में है टेक्निकल बस लिखकर अपना सवाल पूछे मैं फॉरन रिप्लाई करूंगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे मजीद बेस्ट स्मार्टफोन के वीडियोस को वाच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस को सब्सक्राइब कर ले तो आज की वीडियो यहीं पर होती है मिलते हैं वीडियो में तब तक मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज